हेलो बियर वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। फ्रेंड्स, अभी एक रिटन टेस्ट के लिए क्वालिटी इशू हैं, कौन से ट्रेड के लिए हुए हैं और उनकी कितनी कट ऑफ हुई है कैटेगरी वाइज और किस दिन एग्ज़ाम है और आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है, इन सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अपने चलते हैं डायरेक्ट जो मैंने डाउनलोड करके पीडीएफ पे, पीडीएफ ये आपके सामने है। ये क्वालिटी इशू है ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए। एग्ज़ाम डेट है आपकी 31 मार्च 2023। आपके पास में बचे हैं मात्र कितने दिन, 26 दिन के आसपास, 26 दिन भी नहीं है सॉरी, आपके पास अप्रोक्स रहे हैं 24 दिन के आसपास रहे हैं और 24 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करनी है आपको ग्रेफ सेंटर पुणे BN गेट पे। BN गेट कुछ नहीं, आपको 10 गेट पे रिपोर्ट करना है। अगर आपका कोई क्वालिटी से रिलेटेड या कोई भी इशू हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गिवन किन किन कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिन्होंने भी फॉर्म सही से भरा था उन सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब है फॉर्म सही से भरा है, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप बुला लिया गया है एग्ज़ाम देने के लिए। आपको मास्क लेके जाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ब्लू बॉल पेन, क्लिप बोर्ड एंड स्मॉल ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल लेके जानी है, ठीक है। और ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके घर पे भेज दिए गए, अगर वो नहीं पहुँचते हैं तो आप इसी का प्रिंट करवा के अपने आधार कार्ड के साथ ले जा सकते हैं, आपको एंट्री दे दी जाएगी। फोटो वोटो है ऐसे कुछ मांगी नहीं गई है, बट आप एक दो फोटो साथ में लेके चले जाना। किन किन कैंडिडेट्स को बुलाया गया, 84 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है। इन सभी 84 कैंडिडेट्स को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इन्हीं 24-25 दिनों में फुल मेहनत कीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। अब 24-25 दिन अगर आप दिन के 5 to 6 hours देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना टेंशन मत लीजिएगा। 5 to 6 hours into 24 days श्योर सिलेक्शन है, ठीक है, कंपटीशन इतना नहीं होता BRO के एग्ज़ाम्स में। और इसके अलावा इसके अंदर ये 31st को बोला गया है तो उसी दिन जाना है, ऐसा नहीं है आप आगे पीछे हो जाएं। इसके अलावा 1 latest photograph और ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड वगैरह या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दो ही दिए हैं तो इन दोनों में से कोई एक ले जा सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।